स्टूडेंट हैं, सभी को जो है आशा करते हैं कि सभी को नंबर आना चाहिए इनके साथ, ठीक है ना। जिनका इनका आया है, इनका एवं में इनका पीछा करें, कंपटीशन की भावना रखें कि इनका कम आया है तो अगले बार होना चाहिए कि मेरा क्यों कम आ गया। बस जब तक कंपटीशन की मन में भावना नहीं आएगी, जलन जब तक नहीं होगा एक दूसरे से, बाहर कितना भी यारी दोस्ती है, लोग जो है हम दो लोग फ्रेंड है, लेकिन पढ़ाई के मामले में जब तक जलन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जलन करो और कंपटीशन करो पढ़ाई पर कि वो कैसे उतना नंबर ला रही है, कितना देर पढ़ रही है, कैसे ला रही है। हम भी जो है नंबर लाए और उसमें मेहनत करे और सेकंड पोजीशन वाला, सेकंड वाला भी आप, ठीक है। तो बस इसी के जैसा काम करो और बहुत जो है काबिले तारीफ है, नंबर लाए है और हमेशा ऐसे ही करते रहे। चलो जी, थर्ड वाला पोजीशन कौन है? नहीं आई है, चलो नहीं आई तो फोर्थ वाले को बुलाते हैं। चलो आप फोर्थ वाले, आप नहीं आई है तो अपने घरे रहे। चलो प्रीति, आपका पेपर है, लीजिए। हम लोग तो मार्गदर्शक है, पढ़ा तो आप ही रहे ना, हम तो ऐसा ही केवल मारते रहते। मेहनत करो, सब पे कॉपी पे लिखे हैं देखो जी, ताकि और अच्छा मेहनत करो। मेहनत करो ताकि और अच्छा करो, कम से कम 200 नंबर में, कम से कम 200 नंबर में 150 एबव अगर यहाँ आ जाता है तो हम समझेंगे कि नहीं हमारा बेहतर है। अब किसी का आता है वहाँ पे 100 क्रॉस भी नहीं करता है, इसका मतलब है कि सही मायने में लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कम से कम चाहिए कि हमारा परसेंटेज क्या रहे और अच्छा रहे, ताकि हम मेहनत करें और जिस लगन से मेहनत कर रहे हैं, पूरे 10 साल का मेहनत आपसे इससे लगा हुआ है। 10 साल आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको टेंथ पे, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव, आपके जितने सारे लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं कि टेंथ का इस बार वहाँ रिजल्ट आता है। इंटर में कोई नहीं सुनता है, आपने ग्रेजुएशन में कितना नंबर हासिल किया वो कोई नहीं सुनना चाहता है। आप ये सारे चीज, ये आपका बेस है, अगर यहाँ से आप निकल गए तो बहुत सारे आगे आगे जगह पे क्या कीजिएगा, जाइएगा। और आपका जब एग्जाम में बैठिएगा तो क्या होगा, लगेगा कि नहीं हमको क्या करना चाहिए। जब एक बार हेजिटेशन दूर हो जाएगा तो फिर आप इंटर में जाइएगा, उस समय तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे तो सारे स्टूडेंट ही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग क्या करें और अच्छा करें। आपको इतना बताया गया आप हर बार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो इस बार आपका लोएस्ट परफॉर्मेंस क्यों है, आखिर आपने क्या उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मान लीजिए कि हम एक बार अच्छा मेरा आ गया, एक बार 147 आ गया और बाकी के टेस्ट में हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। टेस्ट ये रेगुलर क्यों लिया जाता है, हम नहीं भी टेस्ट होता है तो हम बोल देते हैं कि चलिए अगले बार आपका टेस्ट है, क्यों कि तो वो आपका मेंटेलिटी लेवल, जो सोचने की क्षमता है, जो टेस्ट के प्रति क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम टेस्ट के डर से पढ़ेंगे, तो वो आपका ये डर खत्म नहीं हो जाए कि ताकि हम क्या कर जाए। अगर हम बोल देंगे कि ठीक है 10 दिन, हम पिछले बार बोलते दुर्गा पूजा के छुट्टी में टेस्ट नहीं लेगा, लेकिन हम बोलते कि नहीं चलिए कम से कम ये आपका रेगुलरिटी आपका बना रहे ताकि आप बेहतर कर सके। हम बोल देंगे कि ठीक है 2 महीना टेस्ट नहीं होगा, सारा लोग सो जाएगा, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे कि ठीक है फिर हमारा एग्जाम आएगा तो फिर से हम तैयारी करेंगे। इतना हम लोग क्यों लगे हैं, ताकि आपका भविष्य बेहतर हो जाएगा। हम लोगों को जो करना था, जो होना था, वो सारा कुछ हो गया, 2-4 इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो सकता है, लेकिन आपका ये बेस है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इतना मालूम नहीं होता था क्या होता है ITI, क्या होता है IIT, क्या होता है NEET, क्या होता है पैरामेडिकल, किस पेपर से ग्रेजुएशन करे, किस पेपर से इंटर करे, ताकि हमको आगे जाके फायदा मिलने वाला। कोई गाइड करने वाला नहीं आता था, 200 के भीड़ में पढ़ते थे, हमारे जब बैच में होता था तो 200 के भीड़ में पढ़ते थे, आए ठीक है टीचर अपना भाषण दिया, इंग्लिश पढ़ा रहे, कौन क्या कर रहा है देखने तक नहीं जाता था कि कौन वहां पे क्या होता है। 200 भीड़ में अपना बच्चा है, 45 मिनट का क्लास होता था, 45 मिनट के क्लास में जो उसको लिखवाना है लिखवा दिया और बाकी लोग ये छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है कि हम लोग सारे स्टूडेंट पे यहाँ पे उतना मेहनत करते हैं ताकि सब लोग अच्छा कर सके, एक स्टूडेंट नहीं सारे के सारे लोग अच्छा कर सके। हमारा मारना क्या है, हमारा शौक है कि हम आपको मारें, क्यों मारेंगे,
हमारा किसी से शौक नहीं है और ना किसी से गुस्सा है कि हम आपको मारे, लेकिन अगर आपका बेहतर नंबर आता है तो हमसे जुड़ा हुआ है। अगर आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, 1%